सीडी पासवान जी गलती से सांसद बन गए, क्योंकि ये हर जगह कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मोदी लड़ रहे हैं, तो मोदी के जुमले में ये जीत गए, इनकी वोट कहां थी। और रही बात ये, हर जगह इनका पूरे संसदीय क्षेत्र में विरोध लोग कर रहे हैं, जनता खुद विरोध कर रही है। ये तो मोदी जी के लोगों को भटका करके जिस तरीके से देश को जो है, यार इनकी तो हार हो चुकी है। और ये एक चीज मेरा कहना है आप लोगों से, आप बताएं कि 5 वर्षों में जिन जिन गांवों को इन्होंने गोद लिया है, एक गांव का भी ये बता दें, और 5 वर्ष में जो इनको राशि मिली है संसदीय क्षेत्र के लिए, वो बता दें कि कहां इन्होंने कार्य किया है। तो जब जिसके नेता के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी को लोग देश से हटाना चाह रहा है, तो ये कहां, ये पहले ही अपने हार स्वीकार चुके हैं। तो क्या मैंने पिछला बार कितना का अंतर था मीरा कुमार में और इस बार? जो जनता और यहां के लोग अप्रत्याशित मतों से जो आप भी देखेंगे और विजयी होगी, क्या लगता है? वो तो कह रहे थे कि हम मोदी लहर में भी विकास, मोदी लहर है कहां, 2014 तो है नहीं। 2014 में जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, जिस तरीके से ये लोग आए, आप खुद देखिए, ये जो है 5 साल में इनका विकास क्या रहा, नोटबंदी, जीएसटी, डिमोटाइजेशन में ये ब्लैक मनी लाने की बात की है, काला धन लाएंगे, काला धन तो इनका 60-40 जो गुजरात में हुआ पूरा देश ये जानता है, देखा है। और आरबीआई का है ना आंकड़ा कि जितने लोगों के पैसे थी उतना पैसा आरबीआई में जमा हुआ, और पूरे भारतवर्ष में हर इनके प्रखंड जिला स्तर पे जमीन खरीदी गई, पैसे कहां से आए? आप लोगों ने भी देखा नोटबंदी के समय लोग 2000 रुपए के लिए लाइन में लगे हुए थे, इनके बंगाल के नेताओं में 2-2 लाख के ये नोट नजर आ रहे थे हाथ में बंडल।